हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों कि पृथ्वी का संबंध यहाँ पर लिखा है ग्रह, तो उसी प्रकार से चंद्रमा का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के और भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कह रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ कितने वर्ग है, यानी आपको काउंट करके बताना है दोस्तों कि टोटल इसमें कितना वर्ग है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट कर रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 544 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP, टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करके और अपने से ट्राई करना है। करें पृथ्वी का संबंध जिस प्रकार से ग्रह है दोस्तों, उसी प्रकार से चंद्रमा का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते चलिए, और जरूर कॉमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो जिस प्रकार से पृथ्वी एक क्या है दोस्तों, ग्रह है, तो उसी प्रकार से चंद्रमा हम लोगों के सामने एक क्या है दोस्तों, उपग्रह है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके TCS पैटर्न पर आधारित है, सब प्रीवियस ईयर से लिए हैं। तो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, तो चंद्रमा एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, उपग्रह हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है 15, फिर कोमा, उसके बाद इस जगह पर कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना लिखा है उसने, 25 लिखा है, फिर कोमा, उसके बाद इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों, 45, फिर आगे देखा जाए तो 85, इसी प्रकार से सीरीज को उसने क्या किया है, आगे बढ़ाते गया है। तो ठीक है 85, उसके बाद कोमा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 165 हो जाएगा, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका तरीका समझ में आएगा कि उसने किस प्रकार से सीरीज दिया। 15 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 25 पे, तो उसने यहाँ पर क्या किया है, 10 जोड़ा है। ठीक है 10 अगर इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, 20 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ा है, उसने 40 जोड़ दिया है। उसी प्रकार देखिए अगर 85 से इस पे जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है दोस्तों, 80 जोड़ दिया है। तो अगला क्या जोड़ेंगे पता चल चुका है, यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा दोस्तों, 100 हम लोगों का 60 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 160 जोड़ेंगे तो इधर 5, 6, 6, 12 करी 2 हासिल रहा है, 1, 1, 2, 1, 300 क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ना 10 के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, 20 कर दिया, 20 के बाद देखा जाए 40 कर दिया, 40 के बाद 80 कर दिया, 80 के बाद क्या कर दिया दोस्तों, 160 कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इस टाइप के अलग अलग श्रृंखला सीरीज वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कई बार देखा अलग अलग बुक में, अलग अलग सेट में इस टाइप के क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में रिपीट किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस अभिकल्प को चुने जो वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है, 30 है, 16 है, 64 है, 32 है, क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए,
कभी भी इस तरीके से रहे, मान के चले कि यहाँ पर अगर हमेशा अगर इस प्रकार से कभी भी रहे दोस्तों, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर दे। इसको एक मानेंगे, इसको क्या मानते हैं दोस्तों, एक घर ये हो जाएगा हम लोगों के सामने, दूसरा घर ये हो जाएगा, तीसरा घर ये क्या हो जाएगा, चौथा घर। उसी प्रकार से इधर से स्टार्ट करेंगे, एक घर ये हो जाएगा, दूसरा घर ये हो जाएगा, तीसरा घर और ये हो जाएगा चौथा घर। तो टोटल अगर इस प्रकार से दोनों बगल बराबर रहे, कभी चार आएगा, कभी पाँच आएगा, कभी तीन भी आ सकता है, दो आ सकता है, अलग अलग तरीके के एग्जाम में हमने देखा। तो आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का क्या कर देना है दोस्तों, यानी अंकों का वर्ग कर देना। ऐसे एक से स्टार्ट कर दीजिए, एक का क्या कर दीजिए दोस्तों स्क्वायर, इसी प्रकार से दो का क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे तीन का स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा दोस्तों चार का स्क्वायर। तो कर लीजिए, एक का स्क्वायर तो आप जानते हैं कि एक का स्क्वायर होता है एक प्लस दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर होता है नौ और चार का स्क्वायर होता है सोलह। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, सोलह नौ पच्चीस चार उनतीस इकतीस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, अगर दोनों बगल बराबर है तो आप हमेशा क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों उसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार हमने देखा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा और यही सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद क्या दिखता है, दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवर प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग मिरर दर्पण में देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे बनेगा। जैसे हम लोगों के सामने पंचभुज है तो इस प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों पंचभुज यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद अब इसी में देखना है कि किस किस तरीके से उसने फिगर को आ किया है। तो यहाँ पर जैसे एक क्या बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने त्रिभुज किया हुआ है तो इस प्रकार से चला जाएगा और इसमें फिर हम लोगों के इसको यहाँ से बढ़ाकर उसने इस प्रकार से किया है और फिर एक यहाँ से जैसे कि इसको ले जाकर इस प्रकार से मिला दिया और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से इस पर एक इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ए नहीं होगा, फिर हम लोगों का ये सभी कोई नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब वाला। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है चार में से तीन समान है एक अलग है। कभी कभी पांच भी दिया गया था तो अलग अलग एग्जाम में देखिए पांच भी, पांच वाला भी आया, तो यहाँ पर चार दिया गया तो चार में से क्या करना है, तीन समान होगा। तो देखिये तीन समान अगर देखा जाए कि जैसे ही देखिए ये वाला फिगर इसमें भी दिख रहा है, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों कि कैसा कैसा हम लोगों के सामने फिगर को देखना है कि क्या उस तरीके से दिख रहा है कि नहीं। तो वही वाला फिगर देखिए इसमें भी दिख रहा है और वही वाला फिगर इसमें भी दिख रहा है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इसमें वो वाला फिगर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यही वाला से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन देखिए, एक ही तरीका अपनाए और क्या हो गया, आंसर निकल गया। कैसे ही देखिए कि ऑप्शन नंबर दूसरा है क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें दिख रहा है, इसी प्रकार से इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन ये वाला में तो ऑप्शन नंबर दूसरा में कहीं दिख ही नहीं रहा है। उसी प्रकार से देखिए ये वाला फिगर जैसे डैश है तो यहाँ भी डैश वाला दिख रहा है, यहाँ भी डैश वाला दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए एल जैसे किया तो इसपे भी एल है, इसपे भी एल है और इसमें भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों एल है, यानी कि उल्टा करके दिया है तो सब चीज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इस फिगर में जो है हम लोगों का ये वाला आकृति हम लोगों का किया ही नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रहा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। भिन्न का मतलब ही वही होता है कि चार में से तीन समान होगा एक अलग होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिए छठा नंबर को। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों कथन निष्कर्ष यानी वक्तव्य और निष्कर्ष से, तो चलिए देख लीजिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं सैलोलिज्म कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करा कि सारे फल जो है पेड़ है यानी जितना भी फल है इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर जितना भी फल है दोस्तों उस सारे फल हम लोगों के सामने क्या है पेड़ है, तो इस जगह पर हम लोग कर दिए पेड़। उसके बाद कह रहे कि कुछ पेड़ जो है तो इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, कुछ पेड़ है क्या है पक्षी है, तो इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पक्षी हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों पक्षी हो जाएगा। तो ठीक है इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा पक्षी हो जाएगा।
अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया है, कह रहा है कि कुछ हम लोगों का पेड़ क्या लिखा है कि कुछ पक्षी पेड़ है, तो कुछ पक्षी जो पेड़ है तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ पक्षी पेड़ है तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ पेड़ फल है तो ये भी बात सही होगा, क्योंकि इतना बड़ा गोला किसका है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए ये पेड़ का है और उसमें भी कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा ही जो पेंट कर रहे हैं क्या है दोस्तों, फल का है। तो वही बात तो कह रहा है कि यानी कि यहाँ पर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष एक दोनों पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, बस यही देखना होता है कि क्या क्या इसमें पालन कर रहा है, तो दोनों निष्कर्ष हम लोगों के सामने पालन कर रहा है। देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने डाइस यानी पासा वाले क्वेश्चन, कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर हम लोगों का एक घन बनाया जाता है और इस प्रकार से बने घन में सी को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन डाइस वाले आए तो आप कैसे करेंगे और क्या तरीका है बनाने का, उस बात को समझिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिख लिया ई, एक क्या लिख लेंगे दोस्तों ई, फिर हम लोगों के सामने लिख लेंगे एफ, उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्तों एच लिख लेंगे। तो कैसे आप ई लिखे तो हम कुछ भी नहीं देखें, इसका विपरीत यहाँ पर अगर करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। देखिए जी के विपरीत यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जी ई के विपरीत क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और जी के विपरीत क्या कर सकते हैं, ई हो सकता है। उसी प्रकार से ऐप के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। इस बात को समझना होगा कि ऐप का विपरीत जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, डी है। तो इस जगह पर आप क्या मेंशन कर देंगे, डी कर देंगे। तो उसी तरीके से आपके सामने दिया है जैसे सी का विपरीत, देखिए सी के विपरीत अब क्या बचेगा दोस्तों, एच बचेगा, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही पूछा है कि एच के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी के विपरीत पूछा जाए तो एच हो जाएगा। तो देखिए वही तो पूछा गया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी डाइस पासा वाले प्रश्न। देख लीजिए कभी भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बस बेसिक बात को समझ लीजिए कि उसने पूछा था सी के विपरीत, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए किस तरीके से दिया गया है। कह रहा है यदि हम लोगों का दी गई श्रृंखला के दूसरे अर्धांश को क्या कर दिया जाए दोस्तों, उल्टा कर दिया जाए, तो दाएं से नौवें अक्षर के बाईं ओर पांचवां अक्षर कौन सा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, पहले आपको पूरा अर्धांश लेना है, यानी टोटल कितना हम लोगों का है। तो जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। तो देखिए 20 है तो 20 को क्या कर लीजिए दोस्तों, दो भागों में बांट लीजिए। तो दो भाग हम लोगों के सामने कहाँ पर हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दो भागों में बांटना होगा। इस जगह से यदि आप कर दिया जाए यानी कि बी के इधर, तो क्या करना होगा दोस्तों, दो भागों में करना होगा। तो चलिए कर देते हैं, यानी उसने क्या लिखा है कि दूसरे अर्धांश को वो क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। तो ठीक है, दूसरा अर्धांश को उल्टा कर देते हैं, तो कैसे होगा, यानी कि ई साइड में यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने प्रतिशत हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर एट द रेट हो जाएगा, उसके बाद लिखा है टी, फिर लिखा है जेड, तो टी उसके बाद जेड जे और क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो इसी को हम लोगों को क्या करना था, कर रहा है उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया यानी पलटा दिया। अब देखिए उसने क्या कहा, और हमेशा आपको दायां किधर लेना है, इस साइड फिक्स है, ये पैटर्न हमेशा आपको याद रखना है, इस साइड में दायां होता है और इस साइड में क्या होता है दोस्तों, बायां होता है क्वेश्चन को बनाते समय। अब कहा गया है कि दाईं ओर से नवा, तो लिख लेते हैं दाईं ओर से नवा कौन होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो नौ यानी कि नौ तो ये हो गया, ये नवा लेटर है। अब कह रहा है इसके बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी पांचवा लेटर किस पे जाना है दोस्तों, पांचवा पे, तो एक लेटर प्रतिशत हो जाएगा, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पांचवा लेटर पे कौन आ जाएगा हम लोगों का, छः आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा है कि हम लोगों का नवे अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन सा लेटर हो जाएगा, क्योंकि इधर तो इस साइड दायां है, देखिए वहां दायां लिखे हैं, तो नवा के नवा साइड से इस साइड में जाएंगे तो बायां आएगा, तो बायां कौन सा हो जा रहा है, छः आ रहा है। तो छः ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, थर्ड में दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने समझना किस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे, सब क्वेश्चन आपके टीसीएस पैटर्न पर दोस्तों, और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, नवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पांच मित्र हम लोगों के सामने कौन कौन, श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और हम लोगों का किरण, एक पंक्ति में क्या है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। और ये भी कहा गया है कि श्रुति जो है श्रेया के क्या है दोस्तों कह रहा है कि श्रेया और अनूप के बीच में है। उसके बाद ये कहा गया है कि किरण और श्रेया क्या है हम लोगों का पश्चिम और पूर्व के चरम अंत पर है, तो कौन बीच में बैठा है। तो चलिए देख लीजिए बीच में कैसे बैठेगा, यानी वो क्या कहा है कि हम लोगों का सब क्या कहा है दोस्तों, उसने कह रहा पांच मित्र इस सब एक पंक्ति में दक्षिण को सम्मुख करके बैठे हैं, तो ठीक है पांच लोग बैठा। उसमें ये कहा कि श्रुति जो है ये क्या है दोस्तों श्रेया और अनूप के बीच में है, ठीक है। उसके बाद किरण जो है श्रेया कह रहा है कि किरण और श्रेया क्रम सब पश्चिम और पूर्व के चरम पर है, तो इस प्रकार से होगा, यानी कि किरण हम लोगों के सामने पश्चिम होगा तो किरण को यहाँ पर ही लिखना होगा और ये बात आपका फिक्स हो गया कि ये किरण हो जाएगा और श्रेया हम लोगों के अच्छा श्रेया क्या है दोस्तों पूर्व की ओर, तो इस जगह पर आपको क्या करना होगा श्रेया को कर देना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने श्रेया हो जाएगा क्योंकि इधर होता है पूर्व, इस साइड में होता है पश्चिम। यहाँ पर बता देते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है दोस्तों और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना होता है पश्चिम लेना होता है, जस्ट ऊपर में आपका क्या होता है उत्तर होता है, जस्ट नीचे आपका क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। लेकिन इंडिकेट करके भी बता दिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर ये वाला पूर्व बोले, ये वाला पश्चिम बोले, ऊपर में उत्तर बोले और नीचे क्या बोले दक्षिण बोले। अब यहाँ पर देखिए ये बात हो गया, अब उसने कहा कि श्रुति और श्रेया, ये देखिए श्रुति और श्रेया कह रहा है कि श्रुति जो है श्रेया और अनूप के बीच में है, यानी श्रुति जो है दोस्तों हम लोगों का इस जगह पर हो जाएगा श्रुति, चलिए इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने श्रुति, इस जगह पर हो जाएगा श्रुति। उसने कहा है कि श्रुति जो है श्रेया और अनूप के बीच में है, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों अनूप लिख देंगे, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा अनूप हो जाएगा। उसने कहा है कि श्रुति जो है श्रेया और अनूप के बीच में है, तो श्रुति इस जगह पर हो गया यानी कि अनूप के क्या है दोस्तों बीच में है, तो ठीक है अनूप के बीच में कर दिए। एक लोग बच रहा था अंकित, तो अंकित को इस जगह पर बैठा दिया जाए, इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अंकित बैठ जाएगा। तो अब हो गया, तो उसने कहा है क्या कि कौन बीच में बैठा है, तो बीच में हम लोगों का देख लीजिए कौन बैठा है, पांच लोग तो आइए है, तो पांच में बीच में देखा जाए तो अनूप हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था, देख लीजिए समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे। उसने एक बात क्लियर किया था कि हम लोगों का पश्चिम और पूर्व की ओर, इसीलिए पश्चिम पूर्व बैठा दिया, अब जो लोगों को बैठाना है उसको उस प्रकार से बैठा दीजिए आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों दसवां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है बी, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल टी ई, उसके बाद आर, तो देखिए बटर का उसने यहाँ पर दिया गया हम लोगों का, इसका कोड क्या क्या दिया गया इस प्रकार लिखा है टी है, उसके बाद ई लिखा है टी ई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आर, उसके बाद टी ए और क्या लिखा है बी लिखा है। अब देखिए अब ई नहीं कि बीच वाला को जैसे इसका कोड हम लोग नहीं चेक करेंगे, इसका क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले आप देख लीजिए कि जिसका संबंध हम लोग देख लेंगे किस प्रकार से लिखा और जिसका निकालना उस पर फोकस करेंगे। ये देखिए उसने क्या लिखा और कैसे लिखा है, ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए ना तो ये वाला उसने क्या किया दोस्तों जो टी ई आर है ना इसको उठाकर सीधा सा यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए टी ई और क्या कर दिया दोस्तों आर को लिख दिया, बस इस पर गौर कीजिए कि उसने क्या किया है। उसके बाद यानी सीधा सा उसको उठाकर क्या कर दिया पीछे का तीन लेटर को क्या कर दिया दोस्तों सीधा सा हम लोगों के सामने इस प्रकार से उसने क्या कर दिया इधर कर दिया लिख दिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला टी को पीछे से यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से अगर ई ए को देखा जाए दोस्तों तो ए को ऐसे लिख दिया, देखिए ना आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ई कैसे कैसे किया है। उसी प्रकार से ये वाला जो बी है दोस्तों इधर ये वाला बी को उसने क्या कर दिया इस साइड में कर दिया, तो वही काम अब जिसका निकालना है चलिए उसका कर दे, बीच वाला को तो चेक हम कर भी नहीं करेंगे क्योंकि उस पर करेंगे और समय का बर्बादी क्यों, तो यहाँ पर आई सी उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई, तो आई सी ई उसके बाद लिखा है दोस्तों एम ए और क्या लिखा है एन लिखा है, तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा। आप क्या करेंगे ई जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से हम लोगों के सामने ई तीन को उठा के आगे कर देंगे और उसके बाद इसको पीछे कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने देखिए एम उसके बाद ए और क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा, और उसके बाद इस प्रकार से लिखा जाएगा यानी यहाँ पर हो जाएगा ई सी उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। देखिए आप समझ गए होंगे
कि हाँ सर यहाँ पर ये वाला हम लोगों का शुरू से एकदम लिखा ना, इसी प्रकार से किया, ई को इस जगह पर कर दिया जाए, फिर सी को यहाँ पर कर दिया जाए, और फिर ये वाला आई को क्या कर दिया जाए दोस्तों, इस प्रकार से कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में मिल रहा है, एम ए एन, तो एम ए एन, उसके बाद हम लोगों का ई सी आई, ऑप्शन नंबर डी को गौर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट जो कोडिंग डिकोडिंग का रिसेंटली पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, यानी गणितीय चिन्ह वाले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। इस प्रकार दिया, कहा जा रहा है कि हम लोगों के सामने कि स्टार के चिन्ह पर, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे कर लिया जाएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए हमेशा आप पीछे से ही चेक करेंगे, ताकि क्या हो समय का क्या हो थोड़ा सा कम खर्च हो। यहाँ डी को करेंगे, फिर सी को करेंगे, फिर बी को करेंगे, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, ए को करेंगे। तो इस प्रकार से आपको चलना है। तो चलिए हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर डी को, देख लीजिए, ऐसा नहीं कि अब डी ही फिक्स होगा आंसर में, लेकिन ज़्यादातर केस में इस तरीके से हमने देखे हैं कि डी वाला आंसर हो जाता है। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 120, तो ठीक है 120, और यहाँ पर हो जाएगा भाग, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे भाग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद गुना का चिन्ह, गुना यहाँ पर हो जाएगा 9, उसके बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों प्लस, तो प्लस, अब ये देखिए रूट 81, यही दिक्कत होता है कि सर हम ये कैसे जानेंगे कि रूट 81 का मान क्या आता है। देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4 दिया है, तो करनी के अंदर अगर 4 है तो क्या करेंगे रूट, जैसे यहाँ पर 81 के अंदर, करनी के अंदर 4 है, तो इसको ऐसा तोड़ेंगे कि 4 में से एक मान निकल जाए। ये देखिए अगर 3 अगुना 3 अगुना 3 अगुना, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों गुना 3 कर दें, और गुना 3 कर दिया जाए, ये देखिए अगर 3 तिया क्या हो जाएगा 9, तिया 27, तिया 81, यानी अगर इसको 4 बार लिखेंगे अंदर में तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो क्या करेंगे ऐसा ही करेंगे, अगर कभी 5 रहे कभी 3 रहे तो उसी तरीके से तोड़ना, ऐसा संख्या में तोड़ना जो कि 4 अंदर में था, इसीलिए 4 बार तोड़े। अगर 3 रहेगा तो वैसा अंक देगा जो कि 3 बार में ही टूटेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देगा तो क्या टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, तो वैसा वो देवे करेगा जिसका हम लोगों का क्या वर्गमूल निकल सके, फॉर्मूल निकल सके, या क्यूब निकल सके, तो वही संख्या देता है। तो अब इसका एक मान निकाल देंगे तो इसका क्या निकलेगा दोस्तों 3। हम देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका उठा रहे हैं कि जो रूट, जैसे हम लोगों का 81 के करनी के अंदर 4 लिखा है, तो इसका मान अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों 3 निकलेगा। हम वहां पर 3 लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया। तो चलिए अब उठा के लिख देते हैं 3। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख दिया दोस्तों, इस जगह पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है वही काम होगा ना, हाँ 3। उसके बाद यहाँ पर लिखा है माइनस, तो माइनस, अच्छा अच्छा, प्लस के बाद फिर से गुना होगा, अच्छा 3 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा, तो चलिए 17 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है माइनस 28, और इसी को सॉल्व करने के बाद कह रहा है कि 95 आपको लाना है, तो देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो बी 120 में 15 से भागा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, तो 15 8 है, तो 8 बार में कट जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा 9, उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 17, या क्या हो जाएगा 51, डायरेक्ट गुना कर लीजिए, अब कहानी कथा करने क्या बैठेंगे, इधर हो जाएगा 28, अब बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 95 हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे 51 कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 28 कर देंगे। तो क्या देख लीजिए जोड़ जाड़ के इतना आ रहा है कि नहीं, और एक स्टेप नीचे खींच देते हैं, 2 1 3 हो जजाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 7 5 12, तो 123 होगा, और क्या, और माइनस क्या करना 28, तो करेंगे तो 1 2 10 3 13, तो 13 8 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इधर देखा जाए तो 11, हाँ बिल्कुल हो गया, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सारा स्टूडेंट तो देखते ही स्किप कर दिया कोई ए से, लेकिन देखिए हम पहले ही कह देंगे इसमें समय लगेगा। आपको क्यों समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्यों ए से चेक करेगा, कोई बी से चेक करेगा, तो कोई सी से करेगा, तो कोई डी से, लेकिन आप क्या करेंगे पीछे से चेक करेंगे तो आंसर निकल गया। तो ये नहीं कि आप खुशी हो जाइए कि
सी इसका, कभी कभी सी भी आंसर हो सकता है, कभी बी भी हो सकता है, कभी ए भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में क्या दिया है, डी वाला को आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णन ही नहीं, देखिए अब इतना बड़ा दिया गया है, ये डैश 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 इस प्रकार दिया, अब ये वाला श्रृंखला को पूरा करना है और देखिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यही बात बताना है। तो चलिए हम कर देते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले सीरीज को उठाइए, आर उसके बाद डैश उसके बाद लिखा है जी, फिर डैश उसके बाद लिखा है डी, डैश उसके बाद टी जी, उसके बाद डैश उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, यहाँ पर जैसे हमने कर दिया डी, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने आर, हाँ तो डी आर तक तो लिख लिया, उसके बाद हो जाएगा जी, फिर हम लोगों के सामने एफ, तो जी एफ और डैश, उसके बाद लिखा है आर, फिर लिखा है टी, उसके बाद डैश डैश और क्या लिखा है दोस्तों डी लिखा है। अब क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने, क्या तरीका, आप क्या करेंगे सारा लेटर और डैश को काउंट करेंगे, कितना लेटर और डैश है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो देखिए हमारा निकल चुका है कि यहाँ पर टोटल कितना लेटर और डैश, हमने सबको लेटर को लेटर जैसे आर ए बी सी डी सब लेटर ना हुआ, डैश जो है तो टोटल यहाँ पर कितना हम लोगों के सामने 20 है, तो इस 20 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो सीधा सा सवाल है कि 4 × 5 में तोड़ सकते हैं और 2 × क्या दोस्तों 10 में तोड़ सकते हैं, तो इसी तरीके से टूटेगा ना। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले दो दो लेकर देखते हैं सीरीज बनता है क्या, जैसे आर और उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं सीरीज बन पाता है कि नहीं, एक प्रकार से दो दो लेकर देख लीजिए थोड़ा सा कि सीरीज बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर देखा जाएगा और क्या लगा है? तो जैसे आर, तो आर के बाद यहाँ पर क्या भरेंगे, तो आर के बाद तो वैसा सीरीज 2 से नहीं बन पाएगा, हमने देख लिया 2 से कुछ समझ में नहीं रहा कि आर के बाद क्या भर दें, तो चलिए नहीं हुआ 2 से नहीं हुआ, तो अब देखेंगे 4 लेकर, 4 नहीं होगा तो फिर 5, फिर नहीं होगा 10, ऐसे चेक करना होगा, तो R के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमने कट कर देंगे इस जगह पर, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 यहाँ पर कट कर देंगे, उसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर कट कर देंगे और इधर हो जाएगा 2 2 4 5, हाँ हो तो गया। अब चलिए इस सीरीज को देखते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं, जैसे R के बाद क्या करेंगे दोस्तों T, तो R के बाद इस जगह पर यदि हम लोग T भर दिया जाए, कैसे सोचे थे R के बाद यहाँ T था इसीलिए हमने दिमाग लगाया कि R के बाद T होगा, तो ठीक है R के बाद T, उसी प्रकार से G के बाद देखिए G के बाद यहाँ पर F है दोस्तों, पता लग रहा है कि G के बाद इस जगह पर F भर देंगे तो सीरीज बन जाएगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे R, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों R कर देंगे R T G F के बाद देखा जाए तो G के बाद क्या आ जा रहा है F हो जा रहा है, इस जगह पर F कर देंगे, उसी प्रकार से R T G F और आखिरी में क्या है इधर तो D है, तो यहाँ पर D हो जाएगा, उसी प्रकार से R T और इस जगह पर क्या क्या भर देंगे, तो R T उसके बाद है G और F, यहाँ पर क्या भर देंगे दोस्तों G और F भर देंगे, तो चलिए सीरीज बन तो गया, अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने T हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने F भरे, फिर R भरे, फिर हम लोगों के सामने F भरे, फिर हम लोगों के सामने T D, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का G और क्या है F है, तो चलिए किस ऑप्शन में मिल रहा है देखते हैं, T उसके बाद F आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए दोस्तों R आना चाहिए, तो T हाँ F और R, तो T F R तो हम लोगों के सामने मिल रहा है, टी एफ आर उसके बाद F उसके बाद टी डी, तो F टी डी और जी एफ, ये देखिए ऑप्शन नंबर B को आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सब चीज मिल गया है, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी टी एफ उसके बाद टी एफ के बाद आर एफ फिर टी डी, तो टी डी उसके बाद जी एफ, ऑप्शन नंबर आपका B क्या होगा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, कथन और धारणा वाला, तो चलिए देख लीजिए कथन धारणा को कैसे कर देते हैं, करा कि मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन डी का उत्पादन होता है, तो बड़ा बढ़िया कह रहा है वो कि एक बात ये भी आप जान लीजिए सही कह रहा है कि मानव शरीर जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होता है दोस्तों विटामिन डी का उत्पादन होता है, लेकिन ये बात आप क्लियर रखिएगा कि सुबह सुबह ही हम लोगों को विटामिन डी मिलता है, ये नहीं कि अब दिन भर धूप में काम कर रहे हैं तो डी मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं
होता है, हम लोगों को सुबह सुबह मिलता है। अब देखिए धारणा दिया है कि मानव शरीर में विटामिन डी होगा भले ही वह भोजन के माध्यम से ना खाया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही कहता है दोस्तों कि हमारे शरीर में क्या होता है कि विटामिन डी जो है संचित रहता है, लेकिन आपको बराबर नहीं, मतलब कुछ दिनों के लिए क्या होता है भंडार रहता है, फिर आप जाएंगे सूर्य में निकलेंगे तो वहाँ मिलेगा, या कोई चीज़ जैसे खाते हैं तो उससे भी हम लोगों को मिलता है। तो कह रहा है कि ये वाला धारणा क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही होगा कि मानव शरीर में विटामिन डी होगा भले ही भोजन के माध्यम से ना खाया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। करीब वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है, तो ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ग्रस्त ये सब हम नहीं कह सकते हैं। उसने कहा कि मानव शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन डी का उत्पादन करता है, तो ठीक है, लेकिन ये धारणा वाला है, ये निष्कर्ष नहीं है, ये धारणा एक तरीके से पहला धारणा निकल सकता है कि मानव शरीर में विटामिन डी होगा भले ही वह भोजन के माध्यम से ना खाया जाए। तो केवल एक सही होगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन यहाँ पर बहुत तरह का, किसी का दूसरा आएगा, पहला आएगा तो सी आएगा, अलग अलग आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरीके से डिक्शनरी में रखने वाले शब्द देख रहे हैं, बार बार सेट में, अलग अलग सेट में रिपीट कर रहा है कि कौन सा विकल्प हम लोगों के सामने दिए गए शब्द को सही क्रम में दर्शाता है जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी में रखना है, तो डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले रखते हैं, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इस प्रकार से कहाँ तक, जेड तक रखा जाता है। तो चलिए रख देते हैं, देखिए तो यहाँ पर गौर करेंगे क्या क्या कॉमन है, ए डबल पी, ए डबल पी, अच्छा तो ए और हम लोगों का, ये देखिए समझ में आ जाएगा कि ए और पी तो यहाँ पर कॉमन है, ए पी इसमें भी आ रहा है, ए पी इसमें भी आ रहा है, ए पी इसमें भी आ रहा है, ए पी इसमें आ रहा है। तो देख लीजिए ए पी क्या है दोस्तों, सभी में है, यानी ये बात क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहा कि ए पी तो सब में है सर। अब ए बी सी डी में देखिए, ए से लेकर जेड तक में कौन पहले आ रहा था, ए के बाद इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, लेकिन इसमें क्या आ जा रहा है दोस्तों, आर आ जा रहा है, तो ये सब तो होबे नहीं करेगा। तो अब उस सब में देखिए ए डबल पी, ए डबल पी, तो ए डबल पी के बाद है हम लोगों का आर, तो आर के बाद ओ है, आर के बाद ओ है, इसमें भी आर के बाद ओ है, इसमें आर के बाद क्या है दोस्तों, ई है, किसमें, पांचवा नंबर। तो स्टार्ट जो कहानी होगा कहाँ से होगा, पांच से होगा, और कितना सुविधा किया है कि सब ऑप्शन को पांच से ही दिया है, सुविधा क्या, मुश्किल क्या, और क्या, तो यहाँ पर पांच से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए तो हम लोग पांच तो ले लिए, पांच के बाद देखा जाए दोस्तों कि कौन आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये तो होगा नहीं कि ए पी के बाद आर आ जा रहा है, इसमें पी है, इसमें भी है पी है, तो देखिए पी के बाद डबल पी इसमें आ गया, इसमें भी डबल पी आर, तो आर के बाद है ओ ओ ओ, इसमें देखिए भी और पी, तो यहाँ पर पहले पी वाला आएगा, तो कौन सा आएगा, पाँच के बाद दो आएगा, तो ये क्लियर हो गया कि पाँच के बाद दो आएगा, तो यहाँ पर सी को हटाइए और इसको हटिए, एकदम ऑप्शन को देखते हुए रहना, ये नहीं कि ये पूरा करके देखेंगे तो फिर क्या होगा, समय लगेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑप्शन को भी ध्यान में रखिए और क्वेश्चन को भी तो ध्यान में रखना ही होता है। अब देखिए पाँच दो, उसके बाद देखिए अब हम लोग इस सबको लेते हैं कि तीन और पाँच दो के बाद देखिए इधर दूसरा ले लिए, पाँच दो ले लिए, अब इस सब में देखिए तो ए डबल पी के बाद आर आ रहा है, आर के बाद इसमें ओ आया, तो आर के बाद इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, आर के बाद ओ, ओ के बाद भी ई, उसमें ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाँच दो के बाद इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, एक वाला आएगा, क्यों, क्योंकि भी के बाद उसने यहाँ पर ए लिया है, लेकिन यहाँ पर इस सब में क्या देखेंगे दोस्तों, भी के बाद ई कर दिया है, तो पहले एक वाला आएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, तीन होगा, फिर चार होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, देख लीजिए कि डिक्शनरी में आपको रखना था, कैसे कैसे आप रखेंगे। और वैसे देखिए एकदम हम सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, ऑप्शन को आप चलेंगे कि पाँच है, पाँच है, पाँच है, पाँच है, तो पाँच को हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे दो और एक है, यहाँ पर देखिए दो और एक इसमें भी है, दो एक इसमें भी है, सब में दो एक है, इससे स्टार्ट किया है, बस मेन तरीका जो मेरा समझाना वो देखिए, पाँच को हटा दीजिए, पाँच वाला से कोई मतलब नहीं रहा। अब हम दो और एक में देख लेंगे कि कौन पहले आ रहा है, ये देखिए ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी के बाद आर, आर उसके बाद ओ, तो यहाँ तक ओ, ओ के बाद देखिए इसमें पी आ गया, इसमें भी आ गया, ए, ए से लेकर जेड तक में दोस्तों, ए बी सी डी में तो पहले पी आएगा, तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि पाँच के बाद क्या होगा दोस्तों, दो आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो सब पाँच ही स्टार्ट हो रहा है, तो पाँच और दो इसमें आ रहा था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब यहाँ तक मिल गया, देखिए पाँच दो, पाँच दो, अब एक और तीन में क्लियर करना है, जैसे पाँच और दो मिल गया दोस्तों, तो पाँच और दो मिल गया, तो अब आप एक और तीन में देख लीजिए कि कौन कौन मिल रहा है हम लोगों का,
तो एक और तीन में जैसे हम लोग गौर करेंगे तो एक और तीन में देख लेते हैं कि ए डबल पी आर ओ उसके बाद बी के बाद ए है, तो पहले ए वाला आएगा, फिर इस तरीके से चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए कथन और निष्कर्ष हमने क्या क्या, कथन, धारणा, पूर्व अवधारणा, कथन, तर्क, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने हर एक पार्ट में करा दिए। जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट आपको दोस्तों सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो पार्ट वन से स्टार्ट करके सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। करा कि राजनीतिक जो है भारतीय मीडिया में क्या दोस्तों सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है, तो बिल्कुल सही कर, आजकल देखिए होगा एक मीडिया इधर से लड़ता है और एक मीडिया क्या करता है, बस लड़ाने का काम, चार लोग इधर से चार लोग उधर से, बस वही काम है उसका और कुछ भी नहीं है। तो वही करा कि वही दिलचस्प है क्योंकि बूढ़े पुराने लोग को वही देखने में अच्छा लगता है और क्या पता सब कोई वही आजकल देख रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निष्कर्ष करा कि प्रत्येक भारतीय क्या कर रहा है दोस्तों, प्रत्येक भारतीय राजनीतिक से प्यार करता है। ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक जो है भारतीय राजनीतिक से प्यार करते हैं, वहां पर अगर राजनीतिक हम लोगों का भारतीय मीडिया में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है, ये थोड़ी क्या कर रहा है कि प्यार है कि नफरत है कि गुस्सा, ये हम कैसे कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि अधिकांश भारतीय, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अधिकांश देखिएगा, अधिकांश भारतीय कह रहा है कि दर्शक जो है राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करते हैं, तो ये बात सही हो जाएगा। वहाँ पर कहा है कि राजनीतिक भारतीय मीडिया में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है, यानी एक है, इसका अर्थ चर्चा करना क्या करते हैं दोस्तों, पसंद करते हैं, तो ये वाला बात बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल ब्लास्ट सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।